हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है 17 सितंबर को और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं जीके के, मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के। एक ही वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में। दो तीन वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि इससे आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। तो एक ही वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कलेक्ट होते हैं मैं वो सारे लेके आ गया हूं और नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी तरीके से बनाने वाला हूं और सारे शिफ्ट का एनालिसिस इसी तरीके से करने वाला हूं। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। पीडीएफ के लिए आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको सारी पीडीएफ भी साथ साथ में मिलती रहेगी। और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, उनसे भी सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा क्योंकि बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास हर एक शिफ्ट का एनालिसिस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें क्योंकि पूरा दिन हो गया मुझे आपके लिए ही क्वेश्चन कलेक्ट करते हुए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, और शेयर भी कर दिया करें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बेस्ट ऑस्कर मूवी 2017, तो ये शेप ऑफ वाटर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेप ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी आपके मिनिस्टर हैं, ठीक है, इनके एक तो याद कर लीजिए कि इन पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। एक आपकी कैपिटल हो गई, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उन सभी की आपकी कैपिटल याद होनी चाहिए और जितने भी आसपास की कंट्री है जो इंडिया की बाउंड्री से टच करती है उनकी भी कैपिटल भी और उनके पीएम और उनके प्रेसिडेंट भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये जरूर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में। ये मतलब ये ऐसा हो जाएगा अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इनसे आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एक आपका गारो हिल्स कहाँ पर है, तो ये मेघालय में है और ये क्वेश्चन आपका ALP टेक्नीशियन में भी आया था और अभी भी आया है और आगे भी आ सकता है। तो अगर आपने ALP टेक्नीशियन की वीडियोस का एनालिसिस नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा, वहां से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोशल फिल्म अवार्ड 2017 किस मूवी को मिला है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो देखते हैं कितने बच्चों को इसका राइट आंसर पता है। नेक्स्ट आपका है कैपिटल ऑफ श्रीलंका। मैंने अभी आपको बताया ना कि कैपिटल जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, राजधानियां जितनी भी है अपने आसपास की कंट्री और जहां जहां पे मोदी जी विजिट कर रहे हैं, ठीक है, और जो जिस देश का कोई भी मतलब बड़ा या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर जो भी आता है इंडिया में विजिट करने, उस देश की भी कैपिटल को आप देख लिया करें। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जयवर्धने पुरा कोटे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका अमेरिकन अवार्ड किस सीएम को मिला है, ये चंद्रबाबू नायडू को मिला है ऑप्शन के अकॉर्डिंग और यहाँ पे दो तीन सीएम को और भी मिला है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल पे। ठीक है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में बता दूंगा आपको। प्रेजिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया यानी कि हॉकी इंडिया टीम के प्रेजिडेंट कौन है, राजेंद्र सिंह, राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है, तो ये 2018 में बुरानो मार्स को मिला है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं। शूटिंग वर्ल्ड कप कहां पर होगा यानी कि 2019 का कहां पर होगा, तो ये न्यू दिल्ली में होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक आपका 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था कि 2017 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ था यानी कि ब्रिक्स समिट कहां पे हुआ था, ये चाइना में हुआ था, चीन में, और 2018 का आपका हुआ साउथ अफ्रीका में और 2019 का आपका होगा ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में आपका होगा 2019 का, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन देते रहेंगे। देखिए, एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि आपको ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट किसी शिफ्ट में मिल जाएंगे, इसका मतलब यह कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है, तो आप उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करिए, उस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक है आपका गवर्नर ऑफ सिक्किम, तो ये हो जाएगा गंगा प्रसाद, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह आपका क्वेश्चन आया था। देखिये दोस्तों, आपका नीति आयोग से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और वो थोड़ा मतलब हर एक शिफ्ट में ना बोले तो शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि अभी ALP टेक्नीशियन का जो आपका एग्जाम गया उसमें भी नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और क्वेश्चंस क्या होते थे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग का ये क्वेश्चन आज पूछा गया, पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, जो भी करंट में प्राइम मिनिस्टर होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। फिर वाइस चेयरमैन यहाँ पे पूछा गया, तो ये हो जाएगा राजीव कुमार, ये भी आपका आ सकता है कि वाइस चेयरमैन कौन है। फिर डायरेक्टर आपका अगर पूछा जाता है तो दिनेश अरोरा हो जाएगा, और CEO कौन है, अमिताभ कांत, ये आपका पूछा गया था ALP में भी। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके ALP में भी आए थे और अभी भी मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी 15 दिन पहले ही उसका पूरा एनालिसिस किया था, अभी इसका भी कर रहा हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल वैसे वहीं से ही मिल रहे हैं और लेवल उससे थोड़ा कम है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी
तुक्का मत मार के आइएगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक स्टडी से जुड़े हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने टॉपिक स्टडी से बहुत सारे सिलेक्शन हो अब की बार, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में बहुत सारी हेल्प आपकी की है और बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और प्लीज़ निगेटिव मार्किंग को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को लगाइए, अगर नहीं आते तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने 40 अटैम्प्ट करके आए और 40 के 40 सही है और बाद में आपने तुक्के लगा दिए, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसे हुई है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे सीएम ऑफ कर्नाटका, तो कर्नाटका के सीएम तो आपके पूछे ही जाने हैं, हर एक शिफ्ट में आना है एक सीएम या एक गवर्नर, ठीक है। तो ये हो जाएगा देवगौड़ा कुमार स्वामी, ये थोड़ा लंबा सा नाम है, मेरे इतना ही याद था तो मैंने लिख दिया। इससे पहले भी कुछ है, देवगौड़ा से भी पहले कुछ है, वो मेरे याद नहीं आ रहा है, तो एक बार सर्च कर लीजिएगा। वैसे भी बहुत लंबा नाम है, आप इतना भी याद रखेंगे तो आपका याद मतलब आप सही करके आ जाएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, तो ये आप मुझे बताएंगे, मुझे इसका आंसर नहीं मिला है। एक है आपका एप्पल के बाद सबसे ज़्यादा कमाने वाली कंपनी कौन सी है, ये आई थिंक वॉलमार्ट है, और इस पे भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, 90% यही है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन, ये गैस इसमें भरी होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। एक पीरियोडिक टेबल से आपके क्वेश्चन तो नहीं पता चले हैं, एक क्वेश्चन पता भी चला है, बट आप पीरियोडिक टेबल को करके जरूर जाइएगा, ठीक है। 18वें ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, तो 7 एलिमेंट है, ये आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट के नंबर ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, और आपका पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो साइंस के, क्योंकि याद नहीं रह पाते हैं ज़्यादातर बच्चे, याद जो रख पाते हैं करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन याद रख पाते हैं, ठीक है। और जो मैथ और रीजनिंग होता है उनका थोड़ा आइडिया दे देते हैं, तो हम भी थोड़ा सोच सकते हैं, बट जो आपके साइंस का है अगर उसमें कुछ बताया ना जाए तो कुछ सोचा नहीं जा सकता ना, ठीक है। तो इसी तरीके से, और देखिए दोस्तों आपके लिए मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लेके आया हूँ, अभी मैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ यहीं पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट टेस्ट खरीद सकते हैं। क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब आप फर्स्ट टाइम टेस्ट देने जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप एकदम से पूरा पेपर को मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर आप उससे पहले 2-3-4 पेपर दे के रखें तो आपको एकदम से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये तो मैं रोज ही कर रहा था ना, अभी भी कर सकता हूँ। तो वो उसी के लिए मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी आपके लिए एक जुगाड़ कर दिया है, समझिए बस जुगाड़ ही है, मतलब टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छी है, वो बहुत मतलब जल्दी में किया है, तो मैं इसलिए जुगाड़ बोल रहा हूँ कि जुगाड़ कर दिया है। तो नीचे आपको लिंक दे रखा है, 120 रुपये की टेस्ट सीरीज है, वो मेरे को नहीं जा रहा है, ठीक है, जिस कंपनी की वो टेस्ट सीरीज है वो मैंने यहाँ पे बस शेयर किया आपके लिए, इसलिए मैं इसको जुगाड़ बोला है। तो यहाँ पे 120 रुपये की आपको टेस्ट सीरीज वो मिल रही है, बस आपको लिंक पे जाना है, और हाँ उसमें एक डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट कोड नोट कर लीजिएगा, SAURABHSPL, ये आपका जो है डिस्काउंट कोड है, इसको भरेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, फिर वो आपकी 150 की हो जाएगी, ठीक है। तो 120 की टेस्ट सीरीज अगर आप खरीदना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब मैथ पे। मैथ के सबसे पहले मैं चैप्टर्स की बात कर लेता हूँ, और देखिए बहुत सारे चैनल जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आपको 5-5 मिनट की वीडियो दे देते हैं, 2-4 क्वेश्चन से इधर से चेपे, 2-4 उधर से चेपे, मेहनत बिल्कुल करनी नहीं है और अपना मतलब पागल बना रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा करूँ, एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें सब कुछ हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखा करें और हर एक अपने दोस्त को शेयर भी किया करें, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पूरा मैं सोल्व बात उसके बाद ही करूँगा जब पूरा आपको बता दूंगा मैथ और रीजनिंग का। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, 2-3 क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 1-2 क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एज से भी आपके क्वेश्चन है, और जितने भी मैं चैप्टर बता रहा हूँ ना इनको नोट कर लीजिए, इनको छोड़ के नहीं जाना है, और सारे करा रखें अच्छे से, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपके 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से आपके 2 क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम से 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आए, देखना मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा उस पर भी, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से आपके 1-2 क्वेश्चन है, सर्कल से आपका 1-2 क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस से आपके एंड टाइम से आपके क्वेश्चन नहीं पता है बट क्वेश्चन आया है, ये नहीं पता कितने क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से भी ये नहीं पता चल रहा है कितने क्वेश्चन है बट क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन है, मीन, देखिए मीन मीडियन मोड ये अभी मैंने कराया था आपको, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखेगी तो आप 100% करके आएंगे, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ इस वीडियो से भी आपके 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ तो हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहा है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये भी आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट का, 1331 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो ये क्यूब रूट जो होता है वो इससे मतलब आपको स्क्वायर रूट से भी सिंपल होता है,
स्क्वायर रूट में हम टू का पेयर बनाते हैं शुरू में, ठीक है। इसमें आपको कितने का बनाना है, थ्री का पेयर बनाना है, क्योंकि ये क्यूब रूट है। थ्री का पेयर बनाने के बाद में आपको बस लास्ट वाले नंबर से ही मतलब होना चाहिए, और लास्ट वाले नंबर में भी आपको क्या देखना है किसके क्यूब में आएगा। तो वन जो होता है सिर्फ वन के क्यूब में आएगा, ठीक है। तो इसका ये तो आपका लास्ट वाली मतलब आपका आंसर तो मिल गया, ठीक है, वन हो जाएगा। फिर अगर ये आपका जो एक पेयर बचा है तीन के बाद एक, ये किसका क्यूब होगा, ये वन का ही हो जाएगा, तो ये आपका इलेवन ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक टाइम एंड वर्क सॉरी मैथ की वीडियो अपलोड की थी, जिसका लिंक इस वीडियो के एंड में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं गया था, ठीक है। तो इसलिए मैं बताई आपको ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी आपको मिल सकता है उसका लिंक। तो यहाँ पे ए 25 सॉरी यहाँ पे 25 दिन है, आप ए 25 दिन में कर लेता है, बी 20 दिन में कर लेता है, किसी काम को ए जो है 25 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो पूछा है यहाँ पे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, यानी कि ये 5 दिन तक ही वर्क साथ में करते हैं, उसके बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है। फिर उसके बाद पूछा है कि कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला आपका होगा क्या स्टेप कि इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया आपका 100 को आप 25 से डिवाइड करेंगे, तो ए एक घंटे में सॉरी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, तो ए का एक दिन का यूनिट वर्क आ गया। फिर 100 को आप 20 से डिवाइड करेंगे, तो बी का एक दिन का यूनिट आ गया 5 यूनिट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, 5 दिन तक इन्होंने कार्य किया, तो ये एक दिन में 9 यूनिट वर्क करते हैं, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे, 45 यूनिट वर्क। तो हम 100 में से 45 को माइनस करेंगे, बचेगा 55। पूछा है कि जब ए कार्य को छोड़ के चला जाएगा, तो बी अकेला वो बचा हुआ कार्य कितने दिन में कर लेगा, तो बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, बचा हुआ कार्य कितना, 55। 55 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 11 दिन, यानी कि 11 दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं, तो आप उनको जल्दी से जल्दी बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे फाइंड द पैरामीटर ऑफ सॉरी सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, भुजा आपको दे रखी थी 5, 12, 13, तो सिंपल है, सभी को प्लस करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं आप प्लग झपकते हैं उनको कर लेंगे, ठीक है। एक था आपका रेशो का क्वेश्चन, जिसमें ए बी का रेशो दे रखा था 2:3 और BC का दे रखा था 4:7, तो आपको इनका बताना था ABC का रेशो क्या होगा। मैंने आपको बताया एक ट्रिक होती है, इनको लिखने के बाद में उल्टा n की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये तो सीधा बन गया, ठीक है। उल्टा n मतलब आपको इस तरीके से करना है, अरे मतलब यार इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको इसमें करनी है, फिर इसकी इसमें करनी है, और इसकी नीचे कर देनी है। तो आपका सबसे पहले जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2:4 में करेंगे तो ए का रेशो आ जाएगा 8, फिर 4:3 में करेंगे तो बी का रेशो आ जाएगा, और लास्ट वाली में करेंगे तो सी का रेशो आ जाएगा। तो ए बी सी तीनों का रेशो आ गया 8:12:21, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको एक रेशो निकालने भी आ गए होंगे समझ में, और इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत सारे करा रखे हैं। एक था आपका पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कुछ आपका अलग ही टाइप से का, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आप क्या गलती कर सकते हैं, एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर दे रहा है, एक दूसरा पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से 2 गुना है, यानी कि 2 गुना व्यास है उसका, 2 गुना चौड़ाई है, यानी कि ये अगर एक चलिए अभी मैं पूरा नहीं बताता हूँ, 2 गुना व्यास है, यह पाइप भरी इस टंकी को के साथ जोड़ दिया है, दोनों पाइप मिलकर भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। देखिए अगर ए पाइप उसे 40 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है, और बी पाइप का व्यास 2 गुना है, यानी कि उसका जो चौड़ाई है वो 2 गुनी हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, वो इससे आधे टाइम में खाली कर देगा टैंक को। तो ये 40 मिनट में खाली करता है, तो ये 20 ही मिनट में खाली कर देगा टैंक को, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 40 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक एक पाइप का हम कैपेसिटी निकालेंगे, वो कितनी जल्दी खाली करता है, तो 40 को 40 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए 1 मिनट में 1 यूनिट पानी निकालता है, और 40 को 20 से भाग करेंगे तो बी 1 मिनट में 2 यूनिट पानी निकालता है, तो दोनों मिलके 1 मिनट में आपका 3 यूनिट पानी निकालते हैं, तो 40 यूनिट पानी निकलने में कितना समय लगेगा, 40 को 3 से भाग कर देंगे, 13 से 1/3 मिनट आ जाएगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो आप उनको जरूर करके आ जाएंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन पे। देखिए मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि आप इसका रेस्पॉन्स अगर देंगे तो मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा कि एक ही वीडियो में जो आपको सब कुछ प्रोवाइड कराता हूं, इसकी 2-3 वीडियो ना बना के, क्योंकि आपको भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी वीडियो देख ली कौन सी नहीं देख ली और कैसे सारी वीडियोज को ढूंढोगे आप, ठीक है। तो मेरी वीडियो थोड़ी लेट जरूर आएगी, बट उसमें कुछ ना कुछ होगा आपके लिए। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के 5 से 8 क्वेश्चन, जैसे बिल्कुल पहले फर्स्ट शिफ्ट में थे वैसे ही सेकंड शिफ्ट में है। इसलोग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन है, एनालॉग से भी 2 से 3 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है,
ठीक है, ब्लड रिलेशन से आपके एक से दो है, डायरेक्शन से आपके क्वेश्चन है। देखिए चैप्टर पे ध्यान दीजिए, जिस चैप्टर का नाम बोल रहा हूँ उस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं तो इसका मतलब उसको तो आपको जरूर पढ़ लेना है। क्लोक से आपके दो क्वेश्चन है, वाटर और मिरर इमेज से भी एक से दो क्वेश्चन बताया कुछ बच्चों ने, ओड वन आउट से आपके एक से दो और क्लासिफिकेशन से एक से दो क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया आपका पूरा किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एनालॉजी से आपका पांच और लिखा है आपका यहाँ पे 100, फिर आपका ये 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो यानी कि क्या आएगा, इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए, नेक्स्ट तो आप खुद ही निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है, 100 कैसे बना, 5 का स्क्वायर क्या कितना 25, 25 की 4 में मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया आपका 100, तो ये आपका 100 इस तरीके से बना। तो आप यहाँ पे भी इसी तरीके से बनाएंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 की 4 में करेंगे तो 196 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। तो राइट आंसर कितना होगा 196। एक आपका सीरीज का क्वेश्चन था, देखिए जब भी कभी सीरीज बढ़ती हुई चलती है ना, मैंने आपको पहले भी समझाया कि सीरीज बहुत स्पीड से बढ़े, 2 से देखिए यहाँ पे आ गया आपका 1393 तक आ चुकी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई चल रही होगी, क्योंकि अगर क्यूब होगा स्क्वायर होगा वो तो सामने बिल्कुल सीधा सीधा नजर आ जाएगा, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन एक बच्चे ने बताया था, वो क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता है, बट स्क्वायर क्यूब वाली भी सीरीज थी, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब वाली भी सीधी सीधी सीरीज आ रही है और इस तरीके से भी आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस सीरीज बहुत जल्दी बड़ी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रखी होगी, और जो ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी तो बड़े नंबर की मल्टीप्लाई है, अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो छोटे नंबर की मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे आपको देखना है किस तरीके से मल्टीप्लाई, 3 की 2 में मल्टीप्लाई की प्लस 4 किया तो आपका 10 हो गया, ठीक है। 3 × 2 = 6 + 4 तो 10, फिर यहाँ पे इसी तरीके से 10 की 4 में की 40 + 5 तो 45, इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, और प्लस 6 करेंगे तो आपका 231 हो जाएगा, फिर 231 में 6 की मल्टीप्लाई और प्लस 7 तो 1393, और 1393 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9759 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज थी। एक क्वेश्चन था आपका इस तरीके से कुछ श्लोक का, सभी बकरियां बाघ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बिल्कुल डायरेक्ट करना ही स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक बकरी वाला डायग्राम बनाया, ठीक है, उसमें आपने क्या बोला है, सभी बकरियां बाघ है तो इसमें आपने इसको कवर कर दिया। फिर नेक्स्ट बोला सभी बाघ सिंह है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लास्ट वाला ये है ये सिंह है तो इसका मतलब ये शेर है, तो इसका मतलब इसको इसने कवर किया, इसने इसको कवर किया। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला गया है निष्कर्ष में, सभी बाघ बकरियाँ हैं तो सभी बाघ बकरियाँ नहीं हो सकती हैं, बिकॉज ये बाघ जो है बकरियों को कवर करते हैं। ये वाली कंडीशन कब हो सकती है, सभी बाघ बकरियाँ, जब ये जो बकरियाँ हैं ये बाघ के ऊपर को होता है इसका डायग्राम, तो तब इसको हम राइट बोल सकते हैं। सभी सिंह बाघ हैं तो ये भी नहीं हो सकता, सी के ऊपर को अगर बाघ का डायग्राम होता तो तब आप राइट आंसर कर सकते थे, अदरवाइज ये नहीं कर सकते, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। कोई बकरी सी नहीं है तो ये भी हम नहीं बोल सकते, बिकॉज ये सबसे अंदर है, ठीक है, और उसके बाहर सी है, तो सभी बकरी नहीं है, कुछ को बोल सकते थे बट यहाँ पे सभी नहीं बोल सकते, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ को भी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज पूरी की पूरी बकरियों को कवर कर रखा है सी ने, तो सभी की सभी बकरी सी है बट यहाँ पे कोई बकरी सी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों आंसर ही आपके नहीं होंगे, तो आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक आपका क्वेश्चन था 34, 45, 57 और 70, नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या चल रहा था, प्लस 11 चल रहा था, ठीक है, यानी कि प्लस 11, 12, 13 इस तरीके से, प्लस 11 करेंगे तो 45, 45 में प्लस 12 करेंगे तो आपका 57, 57 में प्लस 13 करेंगे तो आपका 70 और 70 में प्लस 14 करेंगे तो आपका 84, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके की सीरीज थी बहुत सारी। एक था आपका 29 अगस्त 1982 को कौन सा दिन था, तो ये ट्रिक मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी। यहाँ पे आपको क्या करना है, डे मंथ ईयर प्लस लीप ईयर और 7 से डिवाइड कर देना है, तो डे कितना हो जाएंगे आपका, ये डे हो गया आपका 29, तो डे आप वैसे के वैसे 29 लिख लेंगे। मंथ कौन सा है, अगस्त, अगस्त के लिए कोड यूज होता है 2, कोड भी मैंने आपको बताए थे, अगर आप बोलेंगे फिर दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, अगर आप वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं तो करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और लीप ईयर आपका कितना है 82, तो 82 और लीप ईयर कितने हो जाएंगे 20, लीप ईयर आप इजीली निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे इन सभी को प्लस करके 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितने 133, डिवाइड करेंगे 7 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा आंसर आपका संडे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था वेन डायग्राम से कि गाजर भोजन और सब्जी का वेन डायग्राम क्या राइट होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा देखिए भाई गाजर है,
ठीक है। फिर गाजर सब्जी है तो सब्जी हो जाएगी कवर, और दोनों मतलब गाजर और सब्जी अगर हम देखा जाए तो दोनों के दोनों भोजन है, तो ये आपका इस तरीके से वेन डायग्राम बनना था, तो आप इसको इजीली लगा सकते थे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको अगर पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, यहाँ पे 64,400 बच्चे पहले से जुड़ चुके हैं। इतनी सारी मैं पीडीएफ देखे, मैथ की पार्ट 7, ठीक है, रीजनिंग का पार्ट 7, रीजनिंग का पार्ट 8, जो मैंने अभी क्रैश कोर्स कंप्लीट कराया था, वो सारी पीडीएफ मैं यहाँ पे आपको देता रहता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट रीजनिंग के और साइंस के इतने सारे टेस्ट होते हैं जिसमें आपको 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। उसका कोई भी चार्ज नहीं लेता हूँ। बहुत से बच्चे उसकी वैसे अहमियत नहीं समझते हैं, बट फिर भी जो नहीं समझते, बहुत से बच्चे समझते भी हैं, तो मैं आपको सब कुछ पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा देता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे विजिट करके जाइएगा, नीचे आपका जो त्रिभुज का निशान बना होता है उस पर क्लिक करके, ठीक है। बहुत ही सस्ती है, और टेस्ट सीरीज अगर आपने पहले भी कहीं से खरीद रखी है कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज नहीं है ना, तो आप कहीं से भी खरीद रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको लगाते रहें, ठीक है। कंटिन्यूसली लगा जरूर ले टेस्ट सीरीज को, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना टाइम पे बहुत हेल्प करने वाली है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिएगा। और पीडीएफ लेने के लिए नीचे टेलीग्राम में वो दे रखा है मैंने लिंक, तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए भी हैं और अदर बहुत सारे एग्जाम के लिए भी हैं, तो अगर आपको वो सारे कोर्सेज देखने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप तो आपको बाद में भी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, लर्निंग वाला ऐप है, ठीक है। उसमें सर्च करिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद में आप वहाँ पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है आप, या फिर फेसबुक से भी आप खोल सकते हैं, या आपके पास जीमेल आईडी है उससे भी खोल सकते हैं। और उसके बाद सौरभ मलिक सर्च करके आप मेरे, देखिए बहुत सारे कोर्सेज मैंने बना रखे हैं अलग 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 सब्जेक्ट पे भी और अलग अलग एग्जाम के लिए भी, तो उन सभी वीडियोस को आप साथ में देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो को आपने लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।